हेलो फ्रेंड्स, हाउस होल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल मखनी, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इस दाल के साथ आप नान भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने कुछ राजमा ले लिए हैं, एक दो मुट्ठी राजमा लिए हैं और मैंने थोड़ी एक कप दाल ले ली है। इसको अच्छे से रात को मैंने भिगो दिया था और इसको मसल के हमने इसको धो लिया है। अब इसको हम कुकर में डालेंगे। कुकर में पहले मैंने 2 गिलास पानी रख दिया है और मैं ये दाल इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद दाल के डालने के बाद हम ये राजमा भी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर चने की दाल भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा तो डालें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से इसमें डाल के और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है। 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। पानी इतना होना चाहिए कि एक कोरवा दाल के ऊपर रहे। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और गैस को हम कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे और 5 सीटी लगाएंगे, क्योंकि ये दाल थोड़ी देर से गलती है इसलिए 5 सीटी लगाएंगे। पहली सीटी हम थोड़ी लो फ्लेम पर, बाकी हम थोड़ी मीडियम करके लगा देंगे। उसके बाद इसकी जो स्टीम निकल जाएगी उसका खोल के हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए, हमने इसको खोल के देख लेते हैं कि राजमा अच्छे से पक चुके हैं और ये दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम चलते हैं, फिर दोबारा कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। ये दाल मखनी है इसलिए हम बटर डालेंगे इसको इसके अंदर, इसको मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद थोड़ा जीरा डाल देंगे और ये कुछ खड़े मसाले लिए मैंने वो डालेंगे। काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, 2 लौंग और चाहे तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। अब सभी को इसके अंदर डाल देते हैं। ये बटर पेज थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा काला लग रहा है। अब उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे। पहले हींग डालेंगे थोड़ी सी, उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे और उसके बाद ये प्याज, जो हमने उसको प्याज को कद्दूकस करके रखा है वो मिला देंगे। थोड़ी देर इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने रेडीमेड पेस्ट डाल दिया है। आप चाहे तो इसको घर पे भी वो पीस के अदरक और लहसुन को पीस के बना सकते हैं। उसको अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि लहसुन हमने जान के बाद में डाला है कि लहसुन जल्दी पक जाता है। और उसके बाद हम ये टमाटर की प्यूरी थी वो डाल देंगे। हमने इसके अंदर 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है वो डालेंगे। उसको कुकर अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। हम 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और थोड़ी आधा चम्मच सिंपल मिर्च घर में जो यूज में लेते हैं वो डालेंगे। और उसके बाद ये आधा चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक नहीं डालेंगे। नमक हम पहले उबालते समय डाल चुके थे इसलिए अब नहीं डाल रहे। उसको तेल के सेपरेट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, तेल अच्छे सेपरेट हो चुका है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद हम ये दाल इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। उसके बाद थोड़ी, अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप उस कुकर में थोड़ा सा पानी डालें, जो कुकर अभी गर्म है तो थोड़ा पानी डालकर वो अब इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि दाल उबलेगी इसलिए थोड़ी सी और गाढ़ी हो सकती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी वो डाल देंगे। अगर आप वो ना डालें तो थोड़ा सा अलग से गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हैं। ये पानी हमने थोड़ा मिला दिया है और उसको एक बार चला के और थोड़ी देर उबलने देते हैं। ये दाल उबल गई है। अब इसके अंदर हम ये क्रीम डालेंगे। आप चाहे तो बाजार की रेडीमेड क्रीम डाल सकते हैं, नहीं तो आप घर पे मलाई को थोड़ा सा हल्का सा फेंट के पतला करके तो वो डाल लें। हमने इसमें क्रीम डाल दी, उसको अच्छे से मिला दिया है और थोड़ी देर पकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और उसको अच्छे से एक बार उबाल ले लेंगे। लीजिए, मेरी दाल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा वापस क्रीम से गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से गार्निशिंग कर देंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बन गई दाल। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।